ये है पिक्सल का नया 7a। इंडिया में गूगल का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। इसका जो छोटा भाई था पिक्सल 6a, इसका कैमरा एक्चुअली फ्लैगशिप्स को टक्कर देता था और इसमें उस पे भी अपग्रेड करा गया, बट इतने बड़े अपग्रेड के बाद भी ये एक स्टिल इनकम्प्लीट अपग्रेड है। गूगल का भी छोटा सा पैकेज आता है, गूगल का यहाँ पे लोगो है, ये व्हाइट कलर का हमारा स्मार्टफोन। ये है पिक्सल का नया 7a। इसमें स्टिल अभी भी एक OTG अडाप्टर देते हैं, इसमें आपको पेन ड्राइव लगानी हो, हार्ड डिस्क लगानी हो तो आप लगा सकते हो। मैं मतलब सरप्राइज हूँ और कोई भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं देखता। ये एक USB टाइप सी केबल है जो एक्चुअली केबल की क्वालिटी है वो काफी स्मूथ सी प्यारी सी है। गूगल मैप्स की वो जो लोकेशन वाली पिन होती है ना, वैसी वाली ये फील दे रहा थोड़ा, बट जो बेसिक फोन का फॉर्मूला है वो अभी भी सेम है। एक 6.1 इंच का डिस्प्ले, 4355 mAh बैटरी के साथ, और ऐसा मिक्स मैच करने की कोशिश करी गई है। थोड़ी चीजें बजट से उठा ली है, थोड़ी चीजें फ्लैगशिप से उठा ली है और एक अच्छा मिश्रण बनाने की कोशिश करी है। जैसे बैक में ग्लास को स्किप करके प्लास्टिक लगा दिया गया है। जो चार्जिंग अगर आप देखो वो भी काफी हद तक बजट वाली फील देती है, 20 वॉट की चार्जिंग, इसको मैं स्लो चार्जिंग बोलूंगा। पिछली बार से वैसे चार्जिंग में अपग्रेड है 2 वॉट का। ये वाला स्मार्टफोन पुराने वाले से देखने में काफी हद तक सेम है। जो एक्चुअल साइड्स हैं वो अभी भी मेटल की हैं। आपको लग रहा हो यहाँ पे 2 एंटीना बैंड क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी मेटल की प्लेट चलाई है तो उसके लिए 2 एक्स्ट्रा एंटीना बैंड लगा। बाकी जो डिजाइन है वो सेम है, पावर वॉल्यूम बटन राइट साइड पे, ऊपरी साइड पे माइक का होल्ड है, लेफ्ट साइड पे एक सिम का स्लॉट, नीचे की साइड पे USB-C और दोनों स्पीकर्स हैं। एक तरह बताती है, इसमें एक थोड़ा सा आपको रबर बैंड दिखा, IP67 रेटिंग है इसके अंदर। अगर आप पिक्सल 6 से कंपेयर करो तो पिक्सल 2 से पिक्सल 6 तक कैमरे के सेंसर में कोई अपग्रेड नहीं था, और इस बार कैमरे का सेंसर अपग्रेड करा। 12 मेगापिक्सल से डायरेक्ट 64 मेगापिक्सल का अपग्रेड है। उसके साथ साथ रैम बढ़ा दी गई है, 6 से 8 GB वायरलेस चार्जिंग ऐड करी गई है, डीना बैंड थोड़े ज्यादा है, और प्रोसेसर का ऑफकोर्स एक अपग्रेड है जो हर साल करा जाता है। बट इतने सारे अपग्रेड के बाद भी ऐसा लगता है कि गूगल ने जानबूझ के इसमें इनकम्प्लीट अपग्रेड दिए। जैसे मैं बताऊं, इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो आपको 90 हर्ट्ज एमोलेड दे रहा हो। सब में 120 हर्ट्ज एमोलेड आता है और किसी में भी इतने मोटे मोटे बेजल्स नहीं है। जो एक्चुअल पुराना वाला 6 से भी था उससे भी थोड़े मोटे फील होते हैं बेजल। ऑलमोस्ट भाई 40,000 के प्राइस पे जहां पे 120 वॉट 200 वॉट चार्जिंग आ रही है, इस वाले स्मार्टफोन के अंदर अभी भी 20 वॉट की चार्जिंग है। कैमरा में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सब में 4-4 कैमरे का सेटअप है, फ्रंट में भी 2-2 कैमरे लगा रखे हैं, बट इसमें बैक साइड में बस एक 2 कैमरे का सेटअप है। और जो डिस्प्ले भी है वो भी फुल HD प्लस है। इस प्राइस पॉइंट आपको 2K और थोड़े क्वाड HD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाते हैं। इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस आएगा अराउंड 40,000। अब इसमें दिक्कत है कि गूगल खाली ये वाला फोन नहीं बेचता, गूगल पिक्सल 7 भी बेचता है और 7 प्रो भी बेचता है। बेसिकली होता है ज्यादातर कंपनी जो 40,000 रुपए का स्मार्टफोन बना रही है उससे ऊपर और कोई स्मार्टफोन बनाती नहीं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारी चीजें उसी वाले स्मार्टफोन में डालती है। बट गूगल का ये बेस वेरियंट है, और जैसे गाड़ियों में होता है बेस वेरियंट में चीजें थोड़ी कम लगाई जाती ताकि बंदा थोड़ा मॉडल अपग्रेड करके लगे, तो सेम चीज इस वाले स्मार्टफोन में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, थोड़ी ये सारी चीजें डाली जा सकती थी। हमारा बेसिक मेंटालिटी होती है यार 4-5 हजार रुपए और लेते हैं, 45,000 के अराउंड का पिक्सल 7 मिल रहा है वो ले लेंगे, उसमें हमको लगता है कि हमको फायदा हो, बट बेसिकली हमको कन्विंस करा गया एक थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट लेने के लिए। बट ये सारी चीजें अगर आप साइड लगा भी दो, कभी कभार गाड़ी का बेस वेरियंट लेना ही बेस्ट डिसीजन होता है। और इन सारी छोटी छोटी कमियों के बाद भी भाई ये सीरीज गूगल की बेस्ट सेलिंग रहती है, और इसके दो रीजन है, एक है कैमरा और दूसरा है एक्सपीरियंस। इसमें अगर आपको मैं थोड़ा आइडिया दूं तो एकदम ऐसा परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं, इस स्मार्टफोन का मेन गोल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। तो चाहे आप कैमरा खोल रहे हो, चाहे आप गेम चला रहे हो, चाहे आप एप्स चला रहे हो, कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हो, सारी चीज में एकदम ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है जो काफी सारे फ्लैगशिप भी नहीं दे पाते। एक रेफरेंस पॉइंट अगर मैं दूं तो स्नैपड्रैगन 888 के पास इसकी परफॉर्मेंस आती है। चाहे डिस्प्ले में थोड़े बेजल्स मोटे हो, एक 90 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले हो और खाली 1080p हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है कि आप कभी बार हो सकता है नोटिस भी ना कर पाओ, पर इसमें पूरा ही स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। कोई भी एक्स्ट्रा एप्स आपको देखने के लिए मिलती, एंड्रॉइड वर्जन भी इसमें लेटेस्ट वाला 13 लगा रखा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्टॉक, सबसे ज्यादा हल्का, बट साथ साथ इसमें आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। ऐसे फीचर्स जो डाउनलोड करके मिलते हैं वो इसमें पहले से ही आते हैं। इसमें आप ट्रांसलेट कर सकते और ये एक्चुअली काम भी बढ़िया से करता है। और कुछ कूल कूल से फीचर्स भी हैं, जैसे ऑफकोर्स ये भाई 3D सा वॉलपेपर आपको मिल जाता है, ये क्लॉक भी काफी ज्यादा कूल सी है, और अगर मैं फिंगरप्रिंट्स अनलॉक करता हूँ तो काफी कूल सा एनिमेशन है वो, और सेम एनिमेशन चेहरे से भी। एक एट अ ग्लांस विजेट भी है जिसमें वेदर, अलर्ट्स, ट्रैवल सब एक साथ दिखाई देते हैं। इस फोन की हर चीज अगर आप यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको काफी सिंपल सी लगेगी, बट जब आप यूज करोगे तब आपको रियलाइज होगा भाई बहुत ही ज्यादा सॉफ्टवेयर का जादू हो रहा है बैकग्राउंड में। जैसे डायलर के अंदर भी आप बस टाइप करो प्लम्बर और ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे सर्च करके किसी प्लम्बर का नंबर आपको निकाल के दे देगा। बहुत छोटी चीज है बट काम बहुत अच्छे से करती है। और ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स इसी वाले स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल बनाते हैं।
और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स भी नहीं दे पाते, और इसीलिए शायद थोड़ी थोड़ी कमियां भी हैं, बट उन कमियों के बाद भी एक नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन बन जाता है। इसमें प्रोसेसर भी भाई गूगल की टेंसर G2 चिप है। गूगल ने इस प्रोसेसर को खुद बनाया। ये मार्केट में फास्टेस्ट प्रोसेसर नहीं है, फ्लैगशिप प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट पे आते हैं जो इससे बेटर है, बट ये एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा स्मार्ट प्रोसेसर। और इसमें गूगल के जितने फीचर्स हैं, असिस्टेंट चलाना है, गूगल के फोटोज ऐप में अगर आपको बैकग्राउंड रिप्लेस करना है, लोगों को बीच में गैप करना है या फिर थोड़ी एडिटिंग वेडिटिंग करनी है, ये सारी चीजें भाई मक्खन काम करती हैं, क्योंकि प्रोसेसर इसी के लिए बनाया गया। गूगल ने पिक्सल 2 से पिक्सल 6 तक तो भाई कोई अपग्रेड ही नहीं करता हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में अपग्रेड से भाई कैमरा मस्त हो जा रहा था हर बार, और वर्ल्ड के टॉप कैमराज में तब भी उसकी रेटिंग आती थी। हम भाई गेम चला के दिखाते हैं। सबसे पहले खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई गेम अच्छी चल रही, जो ग्राफिक्स हैं वो भी बढ़िया लग रहे हैं, हमने हाईएस्ट सेटिंग पे चला रखे हैं। अगर आप एकदम ही हाई कर देते हो फ्रेम रेट, तो उस पे लो सेटिंग पे चलता है, हल्का जिटर देखने में मिलता है एकदम अगर आप हाई सेटिंग कर देते हो, बट एक मिड रेंज लेवल आप इसको परफॉर्मेंस बोल सकते हो। ये मैं आपको मुंह से बता रहा हूं, आपको गेम प्ले में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लगेगा। आप खेल लेते हैं भाई जेंशन इंपैक्ट, एक काफी हाई ग्राफिक गेम है, इसमें थोड़ा बहुत अच्छे से पता चलता है कि कितनी मैक्स सेटिंग चल पाती है। हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप हमको पता चल रहा था जब हम गेम खेल रहे थे, बट जो ग्राफिक्स हैं, जो डिस्प्ले है, उसमें ऐसा कहीं कमी नहीं लग रही। थोड़ी बेजल्स आ रही थी बीच में, बट एक्चुअल जो गेम प्ले में है, थोड़ा मार पिटाई कर लो, इधर उधर हाथ पैर मार लो, चल मजा है। और दूसरा रीजन है इसका कैमरा। इसमें एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सोनी का नया IMX787 इसमें सेंसर ऐड कर रखा है, 4K 30-60 FPS तक आप शूट कर सकते हो, और बैक साइड वाले प्राइमरी कैमरा के अंदर OIS भी आपको देखने मिलता है, स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। सेल्फी में एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो। सबसे पहले आप देख के नोटिस करोगे भाई बस दो कैमरे का सेटअप, बट ये दो कैमरा ही कमाल कर देते हैं। इसमें एक टॉप टीयर फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है जो ऑलमोस्ट बड़े बड़े फ्लैगशिप्स को बीट कर सकता है, बट एक्चुअली अगर आप कैमरा आप खोलोगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मोड्स है ही नहीं भाई, ज्यादा फंक्शंस या फिल्टर्स या ऐसा कुछ खास एड ऑन नहीं है। ये कैमरा आपकी मेहनत बचाता है सॉफ्टवेयर से। समझ लो 0.5x में फोटो की क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखो ऑटोमेटिक नीचे प्रोसेसिंग वाला आइकन आता है, उसके बाद ये सारी चीजें पत्तियों को शार्प कर देता है, स्काई को अच्छा कर देता है, HDR सारी डिटेल, सारी कॉन्ट्रास्ट सब कुछ सॉफ्टवेयर में कर देता है। बेसिकली होता क्या है, समझ लो आपको पनीर बनाना है, पनीर सबको सेम मिलता है, बट ये गूगल अपने मसाले बहुत बढ़िया बनाता है। कुछ फोटोज भी भाई यहाँ पे हरियाली में आपको खींच के दिखाता हूँ। इसमें स्काई अगर आप देखोगे तो हल्का सा लाइट ब्लू है, और ये एक्चुअली कैमरे से दिखता भी नहीं है, बट इसमें जो पत्तियां दिख रही है उनमें भी टेक्सचर्स और डिटेल्स काफी अच्छी है। जो बेसिक मोड है जैसे फोटो है पोर्ट्रेट है, उसी में भाई ये जादू कर देता है। ये वाली जैसे पोर्ट्रेट मोड में अगर खींचो, एक तो ऑटोमेटिकली चेहरा ट्रैक कर लेता है, और जैसे मैं फोटो खींचूंगा ये ऑटोमेटिकली नीचे आप देखो ये प्रोसेसिंग पूरी कर रहा है, और इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद भाई जादू, इसमें भाई चेहरे को भाई अलग से ही चेंज कर देता है, जो एक्चुअली एजेस हैं वो काफी शार्प कर देता है। इस बार स्माइल करते हुए जाएं, इसमें बैकग्राउंड भी ब्लर कर दिया, चेहरा भी चेंज कर दिया, और क्योंकि इस कैमरे में काफी सारा जादू जो है वो सॉफ्टवेयर का है, वो सॉफ्टवेयर का जादू फोटो लेने के बाद भी आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसमें सबसे पहले तो भाई आपको मोड्स मिल जाता है, अलग अलग तरीके से ऑटोमेटिकली एडिट कर सकता है, AI वाले सारे रहते हैं। फिर उसके बाद समझ लो आपको कुछ इरेज करना है। अब जैसे ये वाली हमने फोटो खींची, इसमें मेरे को इसके ऊपर ड्रॉ करना है पूरे, मैं इसको पोल को सिलेक्ट कर लूंगा, ये पूरा पोल हो गया गायब। अब बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, देखो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। भाई ये वाली फोटो मैंने पोर्ट्रेट मोड में मिली, बट इसमें भी भाई मैं पोर्ट्रेट मोड वाला ब्लर ऐड कर सकता हूँ बाद में। ये सारा काम भाई AI से होता है। इसमें डेप्थ भी चेंज कर सकता हूँ, देखो डेप्थ अगर मेरे को बढ़ानी है वो। उसके बाद मेरे को कलर फोकस करना है, बैकग्राउंड वाला ग्रे हो जाए, ऐसा टाइप कुछ हो जाए। फिर मल्टीपल फिल्टर्स में ऐड कर सकता हूँ, फिर मेरे को पेन से कुछ यहाँ पे मार्क वार्क करना है भाई के, वो सब भी सारी चीजें कर सकते हैं। इस वाली स्मार्टफोन के कैमरा को यूज करते रहे आपको जीरो दिमाग लगाना और काफी सारी छोटी छोटी चीजें ये अपने आप कर लेता है। ये बिल्कुल जादू जैसा फील होता है, और ये कुछ जादुई फोटोज हैं जो हमने इसी वाले स्मार्टफोन से ले रखी है। जैसा कि देख सकते हो जो आसमान है, जो डिटेल्स हैं, जो कलर्स हैं, काफी ज्यादा दिखने में एकदम ही नेचुरल सी फील आती है फोटोज के अंदर। बट भाई ये नेचुरल फील लाने के लिए भी बहुत ज्यादा एडिटिंग करी गई है इन फोटोज में, और ये सारी चीजें ये ऑटोमेटिक कर लेता है। वीडियो भी अगर मैं जैसे आपको शूट करके दिखाऊं तो इसमें काफी हद तक एक स्टेबल वीडियो मिलती है। अगर मैं आपको बादल वादल भी दिखा रहा हूँ तो बादल भी भाई नीले, तो ऊपर भाई आसमान में हल्का सा नीला आता है, बट एक्चुअली है नहीं इतना नीला आसमान। जो एक्चुअल पेड़ है, जो यहाँ पे पिलर दिख रहा है, सारी चीजें मस्त मस्त लग रही है। और हमारे जो कुछ दोस्त भी है ये भी जो शूट कर रहे हैं, ये भी भाई काफी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। अरे अच्छे ओहो
अगर आप मोबाइल से यूजुअली शूट करोगे ना तो चेहरा थोड़ा सा डार्क डार्क हो जाता है, बड़ी ऑटोमेटिकली भाई वीडियो में भी छोटी छोटी चीजें करके काफी अच्छी और सॉफ्ट सी लाइटिंग बना देता है। तो बेसिकली भाई ये है गूगल का पिक्सल 7a, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा पैकेज फील होता है, बट क्योंकि एक्सपीरियंस इतना प्यारा है और जो कैमरा है एकदम ही टॉप टियर क्वालिटी का है, बट ये वाला स्मार्टफोन ऐसी चीजें दे पा रहा है जो इस प्राइस पॉइंट पर और कोई दे ही नहीं पा रहा। भाई अगर ये दो चीजें आपको चाहिए तो डेफिनेटली भाई एक बहुत ही प्यारा स्मार्टफोन है, बट अगर आपको थोड़ा दिखने वाला, थोड़ा डिस्प्ले बढ़िया चाहिए या फिर एक बहुत ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, इससे थोड़े बेटर स्मार्टफोन आ जाते हैं मार्केट में। बट एक चीज भाई कंप्लीटली फ्री, वो है नीचे हमारा सब्सक्राइब बटन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।